नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के तिथि, महत्व, शुभ संयोग और मुहूर्त के बारे में। महाशिवरात्रि जैसे महापर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि का यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। 2023 के साल में यह पर्व 18 फरवरी को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शिव और शक्ति का मिलन महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ था, अर्थात भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस दिन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। आइए हम अपने आगे के चर्चा में महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। दरअसल महाशिवरात्रि की यह पूजा फाल्गुन मास के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इस बार फाल्गुन मास का यह चतुर्दशी तिथि 17 फरवरी के दिन होगा। बता दें कि 17 फरवरी के दिन महाशिवरात्रि 8:02 पर शुरू होगी और 18 फरवरी के दिन शाम के 4:18 पर समाप्त हो जाएगी। बता दें कि शनि प्रदोष व्रत का भी शुभ संयोग महाशिवरात्रि के दिन बन रहा। भगवान शिव के साथ साथ शनि प्रदोष के व्रत से शनि देव का भी आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होगा। इस पूजा का मुहूर्त निश्चित काल के दौरान होगा। मालूम हो कि रात्रि का 8वां मुहूर्त ही निश्चित काल का अर्थ होता है, जो कि देर रात 12:09 पर 18 फरवरी के दिन शुरू होगा और 19 फरवरी की रात 1 बजे तक रहेगा। वहीं 19 फरवरी को सुबह 6:56 से दोपहर 3:24 तक महाशिवरात्रि व्रत के पारण का समय रहेगा। आइए अब हम आपको इसकी पूजा विधि के बारे में बताते हैं। भगवान के शिवलिंग पर आग धतूरे के फूल, चावल और पानी या दूध को मिट्टी या तांबे के लोटे में भरकर ऊपर से बेलपत्र डालकर अर्पित करना चाहिए। इस दिन शिव पुराण का पाठ करें। साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र या भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जाप करना चाहिए। इसके अलावे रात्रि जागरण का विधान भी महाशिवरात्रि के दिन है। महाशिवरात्रि की इस पूजा को निशील काल में करना शास्त्रों के अनुसार बेहद ही उत्तम माना जाता है, लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा से अपने सुविधा अनुसार भी इस पूजा को कर सकते हैं। भगवान शिव पहली बार महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे, ऐसी बातें पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलती हैं। ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में शिव का प्राकट्य हुआ था। इसका ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत। ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि शिवलिंग के सबसे ऊपरी भाग को ब्रह्मा जी हंस बनकर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। विष्णु भगवान द्वारा भी शिवलिंग का आधार ढूंढने के लिए वराह का रूप लिया गया, लेकिन भगवान विष्णु को भी शिवलिंग का आधार नहीं मिला। ऐसा भी कहा जाता है कि अलग अलग 64 जगहों पर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग प्रकट हुआ। भक्त बड़े ही उत्साह के साथ इस दिन शिव और गौरी के विवाह का उत्सव मनाते हैं। इस दिन अपना वैराग्य जीवन छोड़कर भगवान शिव गृहस्थ जीवन में प्रवेश लिए थे। महाशिवरात्रि के ठीक 15 दिन के बाद ही होली का त्यौहार भी मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।